क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जिस पे हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया है। एक नज़र से सिर्फ ओवरव्यू करा देता हूँ ताकि इनके आप जो है ना ताकि इनको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन 9 तो चलो मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन 8 को ज़रा खुद से रिव्यू कर लीजिएगा। इसमें फिर से देखें कि इसने सेलिंग वैल्यू दी हुई है, पी स्मॉल पी दिया हुआ 55 पर यूनिट और स्मॉल वी दिया हुआ है 23 वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट, तो ठीक है। और फिक्स कॉस्ट दी हुई है 4 लाख, ठीक है। जब हम कॉस्ट फंक्शन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास 23 x 4 लाख ये हमारे पास जो है वो हो जाएगी हमारी कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन की तरफ जाएंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 55 दिया हुआ है, तो 55 के साथ जो है हम क्या करेंगे मल्टीप्ल बाई एक्स कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड, तो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। प्रॉफिट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन के लिए हम 55 x -23 x -4 लाख, तो 55 में से 23 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, कौन बताएगा? ट्वेंटी 55 में से 23 को माइनस करें कितना आता है? दानिया 32। 32। तो हमारे पास जो बच्चे बनेगा प्रॉफिट फंक्शन वो हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 x -4 लाख, ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। तो ए बी सी हो गया, डी में हम एक्स की जगह 10,000 पुट कर लेंगे, ठीक है, और ई में प्रॉफिट की जगह 0 पुट कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी जहां पे जाके हमारे पास ब्रेक इवन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। 9 में थोड़ा सा जो चेंज है दूसरे क्वेश्चंस के मुकाबले में वो सिर्फ ये है कि इसमें फिक्स कॉस्ट दी ही नहीं है। तो देखें जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि पहले प्राइस पर गैलन चार्ज बाय द स्टेशन इज, दो तरह की पेट्रोलियम जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि आपके पास रेगुलर और प्रीमियम पेट्रोलिंग दो तरह के अलग अलग प्राइजेस के होते हैं, हाई ऑक्टेन और नॉर्मल, तो उसके अलग अलग प्राइजेस होते हैं। तो ये जो सेल आउट कर रहे हैं तो पहले मैं रेवेन्यू निकाल लेता हूँ इनका, रेवेन्यू का फंक्शन आर इंटू एक्स। अब x1 x2 दोनों की वजह से होगा, मैं उसको फिलहाल आर एक्स लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू जो रेगुलर है उसका 1 यूनिट ये लोग सेल आउट कर रहे हैं 1.299, 1.299 कितने क्वांटिटी सेल आउट करेंगे नहीं पता, x1 प्लस रेगुलर का 1 यूनिट जो प्रीमियम का 1 यूनिट सेल आउट कर रहे हैं 1.379, 1.379 डॉलर का, और कितनी क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हैं x2 अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। ये तो रेवेन्यू फंक्शन आ गया। कॉस्ट के लिए सी ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट जो ये 1.299 का सेल आउट कर रहे थे रेगुलर, ये इनको जो है पर यूनिट पर गैलन, यानी कि पर यूनिट का मतलब यहाँ पर गैलन है, पर कितने का रहा है 1.219, 2199 का सेल कर रहे हैं और 219 का इनको पड़ रहा था, तो 1.219 का 1 यूनिट इनको कॉस्ट आ रही थी जिसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कितने यूनिट इन्होंने, कितने गैलन परचेज किए नहीं पता, एक्स वन अमाउंट ऑफ गैलन, प्लस जो दूसरा वाला था जो कि 1.379 का सेल आउट कर रहे थे ये, वो उनको पर गैलन कितने में मिल रहा था, 1.289 में जो है वो उनके पास आ रहा था, और 1.379 में वो सेल आउट कर रहे थे। तो यहाँ आ जाएगा 1.289 ऑफ x2। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसके बाद इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट जब दी नहीं है तो हम लिखेंगे भी नहीं। अच्छा, जल्दी से दानिया मुझे बताएंगे कि प्रॉफिट का फंक्शन क्या बनेगा जल्दी से। तो
तो देखिए ऊपर नीचे मैंने इसलिए लिखा है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते जाएं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे टाइम्स एक्स वन, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे इतने टाइम्स एक्स टू, हमारा प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। मैंने इसलिए रेवेन्यू को इस दफा पहले ऊपर लिखा। तो 1.299 में से 1.219 जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो बताएं जल्दी से, 1.0। जी दानिया 0.08 बिल्कुल सही, ठीक है। x1 प्लस दूसरे में कितनी वैल्यू आ रही है, 0.09, ठीक है, ये हो गया 0.09 एक्स टू, क्लियर है। रेवेन्यू कॉस्ट और प्रॉफिट फंक्शन आ गए आपके पास। उसके बाद आपने सी पार्ट में, डी पार्ट में क्या करना है, जब 40 जब एक्स इसके 1000 एक्स वन के 1000 कैलेंस और प्रीमियम यानी कि एक्स टू के 40,000 कैलेंस पुट कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा। तो एक्स वन की वैल्यू आपको दे दी गई है उसमें 100,000 गैलेंस यानी कि 100,000 गैलेंस, और एक्स टू की वैल्यू दे दी गई है इज इक्वल्स टू 40,000 गैलेंस। तो उसके हिसाब से आपके पास क्या आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास 5.1 कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज 5.2 पे चल रहे हैं। इसको आप चाहें तो स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसने एक, जैसे हम डेप्रिसिएशन स्लोप से निकालते थे, आपको पता है y2 - y1 / x2 - x1, ये हमारा डेप्रिसिएशन ही होता था अगर नेगेटिव स्लोप होता था। तो यहाँ पे उसने एक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का जो है वो एग्जांपल नंबर 6 में एक फार्मूला भी दे दिया है, और जब क्वेश्चन कराया है तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है, वैल्यू टोटल वैल्यू माइनस रिमेनिंग रेजिडुअल वैल्यू, यानी एक चीज कितने की है फॉर एग्जाम्पल 500,000 की, माइनस जब वो पूरी उसकी लाइफ डेड हो जाती है तो वो 10,000 की बचती है। तो 5,00,000 - 10,000 डिवाइडेड बाई कितने साल उसकी लाइफ थी, डिवाइडेड बाई 6 ईयर। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, जिसको आप पहले क्या कहते थे, स्लोप। फर्क क्या होगा, स्लोप यहाँ वर्ड डेप्रिसिएशन यूज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू हम पॉजिटिव आएगी, लेकिन हमें पता है कि डेप्रिसिएशन मीन्स नेगेटिव डिक्रीज, तो हम उसको अज्यूम करेंगे नेगेटिव साइन के साथ जब भी कहीं पे भी लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं आएगा। जाहिर सी बात है 500,000 बड़ी वैल्यू होती है, माइनस 10,000 उसकी छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन क्योंकि वो डेप्रिसिएशन है तो उसका वैल्यू का मतलब है माइनस, और स्लोप में डायरेक्ट आपके पास जब माइनस डिक्रीज हो रही होती थी कोई चीज, तो स्लोप में डायरेक्ट ऑटोमेटिकली फॉर्मूले ही ऐसा है कि वो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली वैल्यू के साथ आ जाता था। तो डेप्रिसिएशन और स्लोप एक ही चीज है, स्लोप में नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक आता है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव साइन निकाल दें तो वो स्लोप ही होता है, ठीक है। ये एक नई चीज थी इसमें, ये देखें, ये इसने बताया हुआ परचेज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएटेड अमाउंट कितनी बची, यानी कि जो कबाड़ को दे रहे हैं 390 वाले को दे रहे हैं, जो बाहर फेंक रहे हैं डेप्रिसिएटेड वैल्यू, वो लोहे की वैल्यू हमें कितनी वापस मिल रही है डिवाइडेड बाई टाइम्स आपके पास लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ दैट मशीन, ठीक है। उसी की बेसिस पे इसने शुरू के एक दो क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए, एग्जांपल क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज 5.2 है उसके, तो उन सबको आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट वही है। मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ कहाँ पे आ रही है हमारी, ये देखें, यहाँ से हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो रही है एक्सरसाइज 5.2, और इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखें कि इसने जो है वो दिया हुआ है कि अ पीस ऑफ मशीन इज परचेज फॉर 80,000, तो इसकी वैल्यू है
माइनस कर दें स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मेथड लगा रहे हैं, तो ये देखें ये फॉर्मूला होता है, परचेज कॉस्ट कितने की वो हमें पड़ी, आखिर में कितने की रह जाएगी वो जो कि हम जो डेप्रिसिएशन में सेल आउट करेंगे बिल्कुल, और बाजू का डेप्रिसिएशन जीरो भी होती है कि उसको कोई नहीं खरीद रहा, उसकी डेप्रिसिएटेड अमाउंट नहीं है, जीरो भी होती है, डिवाइडेड बाय उसकी यूजफुल लाइफ है, या किसी भी मशीन की लाइफ कितनी होती है, 8 साल है, 5 साल है, 10 साल है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये दोनों क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे। यहाँ पे कुछ देखें तो 80,000 आ जाएगा यहाँ पे, डेप्रिसिएटेड अमाउंट जो है वो इसकी दे नहीं रहा, अकाउंटेंट हैव डिसाइडेड टू यूज अ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड विद मशीन बीइंग फुली डेप्रिसिएटेड आफ्टर, फुली डेप्रिसिएटेड का मतलब है कि उसमें कुछ डेप्रिसिएशन अमाउंट बचेगा ही नहीं। तो 80,000 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स, तो पहले वाला सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएगा, उसमें दिया हुआ भी है उसने कि देखो एज्यूम नो सेल्वेज वैल्यू, दूसरे वाले में उसने कहा है कि 2500 रुपये आखिर में डेप्रिसिएटेड अमाउंट बच रही है, तो 20,000 परचेज कॉस्ट थी, 2500 आखिर में बच रही है डिवाइडेड बाई 5, तो जो आंसर आया 3500, ये वही 3500 है जो कि आपके पास पहले वाले क्वेश्चंस में चैप्टर 2 में स्लोप आता था, लेकिन वहां स्लोप ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू, अगर वहां उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते तो इज इक्वल टू -3500 आता, डेप्रिसिएशन का मतलब ही डिक्रीज नेगेटिव होता है तो उसके लिए लिखते नहीं है, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू को अगर स्लोप के लिए कैरी करेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें, वो सेम चीज है। उसके बाद तो वही चीजें आपको पता है कि जो है वो किस किस तरह से फर्दर हम जो है जो स्टेप करते थे वो आप लोगों को पता है, तो फर्दर स्टेप्स तो वही है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पीस ऑफ मशीनरी इज परचेस्ड फॉर 30,000, अकाउंटेंट्स हैव डिसाइडेड टू यूज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी उसी पैटर्न पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 and 3 आपने अपने असाइनमेंट रजिस्टर में जरूर करने, क्योंकि ये डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड वाले काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक मिनट मुझे दे दें। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक जो क्वेश्चन है उसको हम और एक दो क्वेश्चन और को डिस्कस कर लेते हैं, ये ऊपर वाले तो आप लोग कर लीजिएगा 3 और 4 तक, क्योंकि वो सेम पैटर्न पे हो रहे हैं डेप्रिसिएशन की बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देखेंगे तो 5 कुछ उसी पैटर्न पे होगा जिस पे हमने ऑलरेडी निकाला था कि उसने परचेज कॉस्ट दिस ईयर इज इतनी, द कार्स आर केप्ट 3 इयर्स आफ्टर विच दे आर एक्सपेक्टेड टू रीसेल 5600। तो मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, ऊपर पिछली क्लास उसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने असाइनमेंट रजिस्टर में मस्ट करना है, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है, क्योंकि 5 का जैसा बिल्कुल सेम कि उसने इतने की चीज थी, इतने में वो वापस बाद में सेल कर दी तो फिक्स कॉस्ट में से वो माइनस हो गई, एंड रिमेनिंग अमाउंट के लिए फिर उन्होंने एक बुक वैल्यू बना ली थी तो कॉस्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 एक डिफरेंट पैटर्न पे आ रहा है तो इसको जरा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा एक क्वेश्चन हमने अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, जहाँ क्राइम रेट्स और नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स थे, यहाँ पे भी कुछ उसी पैटर्न का है कि इसमें क्राइम रेट्स की जगह अरेस्ट रेट्स की बात हो रही है, ठीक है, और नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स असाइन इन प्लेन क्लोथ्स। अच्छा प्लेन क्लोथ्स असाइन होने वाले जो है उनकी वजह से जो है वो कह रहा है कि अगर आप इसको रीड करें तो वो कह रहा है कि उसकी वजह से अरेस्ट रेट जो है, द अरेस्ट रेट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ केसेस व्हिच अरेस्ट हैज बीन मेड, इट इज बिलीव दैट द रिलेशनशिप इज लीनियर, यानी कि लीनियर है, बढ़ रहा है, एक चीज बढ़ने से साथ साथ दूसरा भी बढ़ रहा है, लीनियर पॉजिटिव भी हो सकता था नेगेटिव भी, लेकिन इस लीनियर कहां हमें पता चल रहा है कि एक चीज बढ़ रहा है, क्योंकि अरेस्ट रेट उसने पॉजिटिव दिया हुआ है 1.20%, तो एक चीज बढ़ रही है, अरेस्ट रेट का मतलब क्या है, ये स्लोप है आपकी, स्लोप की वैल्यू, और 1.20% दे रहा है, यानी कि अगर एक पुलिस ऑफिसर आप प्लेन क्लोथ में बढ़ाते हैं तो 1.2 से अरेस्ट रेट की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, तो एक चीज बढ़ रही है साथ दूसरी भी पढ़ रही है, इसको पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद हो हमें इक्वेशन नहीं दी हुई यहाँ पे, ठीक है, और चैप्टर 2.5 के अंदर हमने 2.5 के अंदर हमने जो है वो इक्वेशन बनाना सीखी थी कि एक पॉइंट दिया और स्लोप दिया हो तो y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1 का फॉर्मूला लगा के हम, आपको याद हो, y
जो है वो m इज इक्वल टू, वही जो स्लोप का फॉर्मूला होता था उसको हम ऐसे लिख देते थे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 की जगह इसको हम कर देते थे y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। इस फॉर्मूले के तहत हम एक पॉइंट जो दिया होता था x, उसकी x1 y1 की वैल्यू यहां पुट कर लेते थे, स्लोप की वैल्यू यहां पुट कर देते थे और इसको सिंप्लीफाई करते थे, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाती थी। तो सेम उसी पैटर्न पे हमने डिफाइन करना है, सबसे पहले इक्वेशन फंक्शन डिफाइन करना है। डिफाइन द फंक्शन दैट इज आर इज फॉर एरेस रेट, एरेस रेट को उसने, रेवेन्यू नहीं है ये, एरेस रेट है, एरेस रेट को उसने आर से डिफाइन किया है। बराबर है फंक्शन ऑफ एन, एन क्या है, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स असाइंड इन प्लेन क्लोथ। तो आर इज द फंक्शन ऑफ एन, एन इट डिपेंड्स ऑन एन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एन है और अरेस्ट रेट डिपेंड कर रहा है उस पर। जैसे जैसे नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर असाइन करेंगे प्लेन क्लोथ में बढ़ेंगे, उसके हिसाब से 1.2% की जो अरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, तो पॉजिटिव होगा। तो इसकी हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन के लिए हमें x1, y1 और m दोनों चाहिए। m तो दिया हुआ है, m की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो 1.2, ये m की वैल्यू दी हुई है। जल्दी से मुझे सॉल्व करके आप इक्वेशन बताएंगे। दानिया फौरन से पहले मुझे इसकी इक्वेशन बना के बताओ। 1.2 इज इक्वल टू y की जगह y आएगा, ठीक है, ये देखें y, कहाँ चला गया, y माइनस y1। अच्छा x1 y1 कहाँ दिया हुआ है ये देखिए, अगर आप और से देखें तो ये दिया हुआ है, ठीक है, 16 ऑफिसर्स, तो n की जगह x1 की जगह x की जगह n है, ठीक है, और y1 क्या दिया, y1 क्या दिया हुआ है, r की r, y की जगह यहाँ r1 है या, ठीक है, 36। तो x की वैल्यू दी हुई है 16 और y की वैल्यू दी हुई है 36। तो ये एक पॉइंट बन गया x, y, x1, y1। x1 दिया हुआ है 16 हमारे पास और x2 क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है 16 और y1 क्या दिया हुआ है 36। तो 36 यहाँ पुट कर लेंगे डिवाइडेड बाय x माइनस x1, एक पॉइंट दिया हुआ इन्होंने कि अगर 16 ऑफिसर्स हम हायर कर रहे थे तो अरेस्ट रेट 36% था उस टाइम, जब 16 प्लेन क्लोज ऑफिसर्स हायर किए थे, अरेस्ट रेट 16 था और हर एक ऑफिसर्स के बढ़ाने पे 1.2 से बढ़ रहा है। तो जल्दी से मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बताएं, देखो 1.2 इंटू एक्स हो जाएगा, 1.2 इंटू एक्स, जल्दी बताओ दानिया, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 1.2, बताएं क्या वैल्यू आ रही है जी, 19.2, 19.2 माइनस का 19.2, ठीक है, और माइनस का 36 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36, प्लस का 36, ठीक है, इज इक्वल टू y रह जाएगा राइट साइड पे। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो y इक्वेशन बन के आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1.2x प्लस बताओ 16.36 में से 19.2 को माइनस करो क्या, 16.8, गुड, ठीक है। अब हम सही आ रहा है ना जी, जी सर सही, ठीक है। अब इनको जो है हम अपने गिवन वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं। y नहीं है हमारे पास, y का मतलब क्या है r, तो इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, r इज इक्वल्स टू, एक मिनट, शुक्र अल्लाह, r इज इक्वल्स टू 1.2x, x की जगह क्या है n है हमारे पास, तो स्मॉल n नंबर ऑफ प्लस 16.8, ये हमारे पास जो है वो हमने वेरिएबल्स को एज पर और गिवन वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अरेस्ट रेट बराबर है 1.2 से इंक्रीज हो रहा है, हर एक पुलिस ऑफिसर्स के जो है वो उस पे ऐड करने में प्लेन क्लोज पुलिस ऑफिसर्स को, और जब एन की जगह मैं जीरो पुट कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि एन की जगह दानिया मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा,
तो वैल्यू क्या आएगी जब एन की जगह जीरो पुट कर रहा हूँ? 16.8%। ठीक है, अब ये 16, जब कोई पुलिस ऑफिसर नहीं खड़ा कर रहा प्लान क्लोथ में, अभी भी 16.8% अरेस्ट रेट है, ये कैसे हो रहा है? पता नहीं। अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस है, यूज करो, थोड़ा सा आसान है बहुत, जल्दी मेरे मेरे स्टेटमेंट को सुनना दोबारा, समझ आ जाएगा। जब एन की जगह जीरो पुट कर रहे हैं तो आर 16.8, अरेस्ट रेट 16.8% अभी भी है, प्लान क्लोज ऑफिसर कोई भी नहीं खड़ा कर रहे, उसके बावजूद जो है वो 16.8% है अरेस्ट रेट, कैसे है? पता नहीं सर। अरे भाई थोड़ा सा प्लान क्लोज के अलावा क्या पुलिस ऑफ पुलिस वर्दी वाले पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते? प्लान क्लोज नहीं खड़े कर रहे ना, प्लान क्लोज जो के छुपे हुए हैं ताकि जैसे ही कोई रेक्टिफाई करे वो किसी को गलत काम करते हुए अरेस्ट कर लें, उनको नहीं खड़ा कर रहे, उनको जीरो कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस जो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पुलिस पर्सन है वो तो है, उनके होते हुए अरेस्ट रेट कितना है? सिर्फ 16.8। बात समझ आई? मतलब है कि अभी भी अरेस्ट रेट 16.8 है, वो उनकी वजह से है जो कि यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर्स हैं। फिर हमने क्या किया कि बहुत नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स बढ़ाते गए 1, 2, 3, तो अब उनकी वजह से तो बहुत कम था अरेस्ट रेट 16.8, जो कि उनके सामने तो कोई करता नहीं था, जब वो आगे पीछे होते थे, जब वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी तो जिसकी वजह से अरेस्ट नहीं हो पाते थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो प्लेन सिविल वर्दियों बगैर जो कि अंडर कवर कॉप्स खड़ा करना शुरू कर दिए, ताकि जैसे ही कोई उनको पता नहीं है कि यहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ है, और जैसे ही कोई इलीगल एक्टिविटी करे तो फौरन उसको अरेस्ट कर लिया जाए, तो अरेस्ट रेट इस तरह से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, सही सही, इसलिए कहते हैं कॉमन सेंस यूज किया करें, बहुत ईजी होता है, तुम लोगों के सामने चल रही होती है चीजें लेकिन थोड़ा सा सोचते नहीं हो बस। खैर गुड, अच्छा तो उसके बाद क्या था? इसके बाद हमारे पास जो है वो उसने क्या क्या कहा है, ए में उसने पूछा है फंक्शन फॉर्म, वो हमने बता दिया। बी में उसने कहा है इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ आर इंटरसेप्ट, आर इंटरसेप्ट, ठीक है, आर इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे जी, कौन बताएगा आर इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे मुझे बताएं? जीरो रख के निकाल दे सकता सर। हाँ ठीक है, अरेस्ट रेट जो है वो जीरो हो सकता है? हो सकता है, अरेस्ट रेट जीरो नहीं होगा ना इस केस में, नहीं होगा सर। देखिए ना, हम अगर नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो जीरो भी कर देते हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स को जीरो भी कर देते हैं जो कि प्लान क्लोज में, फिर भी 16.8 तो अरेस्ट रेट आएगा ना? हाँ सही है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो इंटरसेप्ट आर इंटरसेप्ट का यहाँ मीनिंग क्या है, आर इंटरसेप्ट का मीनिंग है यही बताना है आपने कि आर जो भी इंटरसेप्ट निकालते थे दूसरा वेरिएबल क्या होता था, एक्स इंटरसेप्ट निकालते थे वाई क्या हो जाता था? जीरो। वाई इंटरसेप्ट निकालते थे तो एक्स क्या हो जाता था? एक्स जीरो। तो आर इंटरसेप्ट निकालने को कह रहा है आर इंटरसेप्ट, तो एन क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैंने अभी यही तो पूछा है, एन जीरो होगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर इज इक्वल टू 16.8 इंटरप्रेटेड करने को कहा था। व्हेन देयर आर नो पुलिस नो प्लेन क्लोज पुलिस ऑफिसर आर असाइंड ओनली द यूनिफॉर्म ऑफिसर्स वर देयर द क्राइम रेट द अरेस्ट रेट वर 16.8%, ये इसका स्टेटमेंट है। क्लियर है? जी बेटा क्लियर है ये बात? यस सर क्लियर है।
इसके बाद वो कह रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज बताएं। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज का मतलब है कि आर का मिनिमम मैक्सिमम और एन का मिनिमम मैक्सिमम। तो डोमेन क्या होता है, इनपुट, इनपुट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए हम एन का मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू किससे है। और रेंज के लिए हम रेंज आउटपुट यानी कि वाई पे आता है, वाई की जगह यहाँ आर है, तो रेंज की जगह हम क्या पुट कर देखेंगे, आर, आर किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और किससे लेस देन इक्वल्स टू है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमें पता चल जाए दोनों साइड की, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स मिनिमम कितने हो सकते हैं, जीरो, ऐसा ही है। अरेस्ट रेट मिनिमम कितना होगा, अरेस्ट रेट मिनिमम कितना होगा, जब कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं खड़ा करेंगे तो उस टाइम भी वो प्लान तो, उस टाइम भी 16.8 हो रहा होगा दूसरे वालों की वजह से, तो अरेस्ट रेट मिनिमम इतना तो होगा, ठीक है। अरेस्ट रेट मैक्सिमम निकालने के लिए जो है हम क्या पुट करेंगे, अरेस्ट रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है, सोचो थोड़ा सा, कहीं पुट करके नहीं निकलेगा ये कॉमन सेंस से निकलेगा। भाई तुम्हारी जो है वो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, 25। अल्लाह हू अकबर, टोटल आउट ऑफ 100 में से कितने आ सकते हैं, अच्छा आउट ऑफ 100 आएंगे सर, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, आउट ऑफ 100 में से 100 ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा आ सकते हैं नहीं आ सकते। अरेस्ट रेट मैक्सिमम क्या होगा, किसी भी चीज की कोई, किसी भी चीज का मैक्सिमम अचीवमेंट क्या होती है, 100%, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। मैक्सिमम अरेस्ट रेट क्या होगा हमारे पास, 100%, ठीक है, 100, ठीक है। अब जब 100% अरेस्ट रेट है, वो उस टाइम कितने पुलिस ऑफिसर्स हमने प्लेन क्लोथ में खड़े किए थे कि जब 100% अरेस्ट रेट हो रहा था, ठीक है। तो इस दफा बाकी क्वेश्चंस में आपको याद होगा डिफरेंट लॉजिक लगता था, एक को जीरो कर देते थे दूसरे का मैक्सिमम आता था, दूसरे को जीरो कर देते थे दूसरे का, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक थी इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। लॉजिक क्या थी, यहाँ अरेस्ट रेट है और अरेस्ट रेट का जब प्लान क्लोज नहीं भी खड़े होंगे तब भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज चल रहा होगा, वो 16.8% है। और अगर अरेस्ट रेट 100% सारे के सारे क्रिमिनल जो के जिन्होंने एक्टिविटी की है इल्लीगल उस सब अरेस्ट हो गए, तो वो अरेस्ट रेट होगा 100%। और जब 100% अरेस्ट रेट होगा तो उस सूरत के अंदर हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो तीन चीजें कॉमन सेंस से आ जाएंगी, जीरो ये 16.8 और ये 100। अब आर की जगह 100 पुट कर दो, ठीक है, क्या करें, आर की जगह 100 पुट करें क्वेश्चन के अंदर, और जो है वो इस आर की जगह 100 पुट कर दे, 100 डिवाइड उसमें से माइनस कर दें 16.8, ये देखें ये आर की जगह 100 पुट किया, ये प्लस का 16.8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 16.8 और 2.1.2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1.2। तो जल्दी से करो, 100 माइनस 16.8 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू एन, तो आपके पास नंबर ऑफ प्लान क्लोज ऑफिसर्स की वैल्यू आ जाएगी, एन इज इक्वल टू, जी क्या आ रही है, जी 69 कितनी आ रही है दानिया, कहाँ चली गई बच्ची, 100 माइनस 16.8 इज इक्वल टू जो आंसर है उसका डिवाइड कर दो 1.2, सर 69.3, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 70, क्योंकि आधा तो नहीं खड़ा कर सकते ना, तो 70 प्लेन क्लोज पुलिस ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड
आर रिक्वायर्ड फॉर 100% अरेस्ट रेट. तो हमारे पास यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे एन की वैल्यू 69.3 या राउंड ऑफ करके 70. तो उसने पूछा था रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज, ये आ गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 69.3, और ये आ गया रिस्ट्रिक्टेड रेंज दैट इज, इसको आर डोमेन और आर रेंज कर देते हैं ताकि आपको याद रहे रिस्ट्रिक्टेड था ये आर डोमेन और आर रेंज दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रेंज. रेंज की आ गई आपके पास 60, रेस्ट रेट मिनिमम विल बी 16.8 एंड द मैक्सिमम विल बी 100. गॉट इट?